Hey, hi, this is Mommy J and I welcome you to Mommy J's World. So guys, welcome to Divalog 2020 Part 2. इसका एक वाली सीरीज का हमारा फर्स्ट पार्ट है जो इसके पहले के पहले वाला वीडियो है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी जिसमें मैंने एक DIY शेयर किया है. सो आप प्लीज चेक कर सकते हो गाइज. प्यारा सा DIY किया है मैंने दिवाली के लिए. सो प्लीज डू चेक इट. आई नो यू गाइज मस्ट बी विद अपसेट विद मी क्योंकि मैं ज्यादा वीडियोज अपलोड नहीं कर रही हूँ जबकि मुझे करनी चाहिए. ट्रस्ट मी गाइज, मुझे समझ में नहीं आया. आई एम सो कंफ्यूज कि कौन सा वीडियो पहले डालूं. और कुछ कुछ रीजंस है ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से भी क्योंकि सारा सामान एक साथ नहीं आता तो यू हैव टू वेट अंटिल यू नो आपके सारा सामान आ जाए. तो कभी एक आ जाती है तो कभी एक रह जाती है. सो दैट्स व्हाई तो एवरी टाइम यू कांट शूट वन वन पार्टनर तो इसीलिए वेट करना पड़ता है तो डिले हो जाता है. सो फाइनली आई एम लिटिल बिट डन विद माय ऑनलाइन थोड़ा सा शॉपिंग. ऑलरेडी मेरी और कुछ चीजें लाइन अप है जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी या फिर आपको दिवाली के दिन वाले ब्लॉग्स जो मैं शेयर करूंगी उसमें दिखेंगी तब मैं बता दूंगी कि मैंने क्या कब लिया था शायद. लेट्स सी, एक पॉसिबली आई एम ट्राइंग टू शेयर एक और शॉपिंग हॉल शेयर करूंगी बट लेट्स सी. तो अभी फिलहाल स्टार्ट करते हैं गाइज. तो लेट मी शो यू व्हाट आई हैव परचेज फॉर दिस दिवाली. इस वीडियो में गाइज मैंने ऑल्सो आई इंक्लूडेड फ्यू थिंग्स यू नो जो मैंने लास्ट ईयर की दिवाली में यूज. लास्ट ईयर में यूट्यूब पे नहीं थी. सो लास्ट ईयर की बहुत सारी क्वेरीज मेरे को जो गूगल मेमोरीज आती है और मैं स्टोरीज पे मेरे स्टेटस पे शेयर करती हूँ तो सारे लोग बहुत सारे सवाल करते हैं. तो मैंने कहा कि मैं सारे डिटेल्स जो है अपकमिंग वीडियो में दे दूंगी. सो जस्ट फॉर दैट रीजन मैंने इंक्लूड किया और आपको थोड़े से आइडिया भी मिल जाएंगे. मैं पिक्चर शेयर करूंगी मेरी लास्ट ईयर के डेकोर के थोड़े बहुत कि मैंने कैसे क्या कहाँ यूज किया था. हाँ, कुछ कुछ चीजें मैं रीयूज करूंगी इस साल. कुछ मैंने नहीं खरीदी है. लेट्स सी हाउ इट गोज. तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इस साल क्या नया खरीदा और मैं ये भी बताऊंगी कि कौन से मेरी पिछले साल की चीजें हैं और आप उसी से आइडिया भी ले सकते हो गाइज और आप अपनी दिवाली की डेकोर एंड एवरीथिंग प्लान कर सकते हो या फिर अगर आपको कुछ बजट में खरीदना हो तो आप खरीद सकते हो. ये सारा मिक्स हॉल है गाइज. कोई स्पेसिफिक मैंने कुछ कुछ जो है मॉल से खरीदी है कुछ कुछ ऑनलाइन खरीदी है. मैं आपको बता दूंगी कि मैंने क्या कहाँ से खरीदा है. ओके तो चलिए अब सारे प्रोडक्ट्स देखते देखते बात करते हैं. सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. ओके पहले स्टार्ट करती हूँ लाइटिंग से क्योंकि दिवाली में जो सबसे ज्यादा जरूरी होती है लाइट्स. ओके ये लाइट्स सब सारे लोगों ने लास्ट ईयर से बहुत ज्यादा ट्रेंड में इनफैक्ट खरीद ली थी. ओके मैंने नहीं खरीदी थी लास्ट ईयर बट फिर दिवाली के बाद जब हम ऐसे घूम रहे थे ना स्ट्रीट पे और सबके घरों में तभी भी लाइट्स वाइट्स होती है तो बहुत सारे घरों में मुझे दिख गई थी और बहुत प्यारी लग रही थी. तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि अगले दिवाली में तो मैं ये खरीदने वाली हूँ फॉर श्योर यू नो. एंड तब मेरे ख्याल से थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी थी क्योंकि न्यू थी. तो अब इस साल थोड़ा सा मेरे को प्राइस थोड़ा कम लगा क्योंकि मैं लास्ट ईयर से मैं ना गाइज आई रियली डोंट ब्लाइंडली स्पेंड ऑन एनीथिंग. तो मैंने लास्ट ईयर से जो है इस चीज को वॉच किया है. लास्ट ईयर से मैं इस पे जो अपनी नजरें टिकाए बैठी हूँ और फाइनली मैंने खरीद लिया क्योंकि बहुत सारे अलग अलग डीलर्स थे जिनके पास रेट्स हाई थे तो मैंने बेस्ट डील में इसे खरीदा है. तो लेट मी शो यू. स्टार लाइट्स है गाइस जो हम दिवाली में बाहर डेकोर के लिए यूज करते हैं. अंदर भी यूज कर सकते हैं बाहर भी यूज कर सकते हैं मे बी. एंड आई एम नॉट श्योर अभी तक कि मैं अंदर लगाऊंगी या बाहर लगाऊंगी. मीन्स मेरे बेडरूम में जाएंगी या लिविंग रूम में जाएंगी आई एम नॉट श्योर. तो लेट्स सी वो मैं बाद में डिसाइड करूंगी. तो आप देख लेना. तो मैं आपको ये चला के भी बताती हूँ और एक पिक्चर इंसर्ट कर दूंगी साइड में या इसके बाद में. तो आप प्लीज देख लेना कि फिर ये जलने पर कैसे लगेगी. पर ये बहुत ऑसम है मैंने इन्हें जलाकर देख लिया था. दे आर वेरी गुड गाइज. तो गाइज ये है वो लाइट. ओके कनेक्शन यहाँ से थोड़ा सा दूर है इसीलिए मैं आपको बस ऐसी ही रैंडम दिखा रही हूँ. इसमें ऑप्शन भी है. ओके आपको दिया वाला ऑप्शन भी मिलता है. एंड लुक इट हियर एक बड़ा स्टार है एक छोटा स्टार है ऐसे लाइन में ये जो है गाइज यू नो ऐसे आपको ऐसे लाइन में आएगा जब आप उसको लगाओगे. सो इट लुक्स वेरी ब्यूटिफुल आई लव्ड इट. तो मैंने ये खरीद लिया फाइनली इस साल. तो मैं आपको थोड़ा बाद में आगे भी जो है इसका एक क्लियर लुक दूंगी कि ये कैसे लगता है. तो आप में से काफी सारे लोगों को इसकी आइडिया होगी गाइज. तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर दिस. तो पहले मैंने खरीदी है लाइट्स. इन सब की जो डिटेल्स है जो सबकी प्राइस जो है मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दे दूंगी क्योंकि अब मुझे वर्बली याद नहीं है. तो गाइज ये है वो दिवाली लाइट्स जो मैंने खरीदी है. शायद इसमें आपको कम्प्लीटली समझ में ना आए बट इट हैज़ अ डिफरेंट सेटिंग्स तो ये अपने आप जो है लाइट्स जो है चेंज करते रहता है. ये बिग स्टार है ये देखिए और ये जो है इसके छोटे स्टार्स हैं दिस वन. तो ऐसे पांच बड़े स्टार और पांच छोटे स्टार्स हैं.
इसमें सेटिंग्स है, आप जैसे प्रेस करोगे इसके लाइट्स की जो है सेटिंग्स चेंज होती रहती है। ये ऑटोमेटिकली हो रहा है, आई एम नॉट डूइंग इट। तो मैंने ऐसे ही रैंडमली स्प्रेड करके रखी है। पहले मैं आपको सारी लाइट्स दिखा देती हूँ। तो इसके अलावा ये मैंने इस साल अगेन खरीदी, मैं साल में एवरी दिवाली पे एक दो से तीन में खरीदी लेती हूँ, बिकॉज ये अगर लकीली चल गई तो चल गई। मेरे पास जैसे लास्ट ईयर की तीन है वॉर्म कलर में, ये मैंने डीमार्ट से खरीदी है गाइस। एंड ट्रस्ट मी, इफ यू वांट दिस काइंड ऑफ अ लाइट, नॉर्मल लाइट्स होती है ये जो दिवाली लाइट, बिकॉज वॉर्म वाला नहीं मिल रहा था इसलिए मैंने ये पिंक में खरीद ली, क्योंकि फिर वो भी नहीं मिलती है, तो मैंने दो एटलीस्ट पिंक वाली खरीद ली। वॉर्म मेरे पास तीन ऑलरेडी है, तो ये मैंने डीमार्ट से ली है। इसकी प्राइस जो है ना गाइस, डीमार्ट में 99 रुपीज में अवेलेबल है, एंड दे आर वेरी गुड ऑल्सो क्वालिटी वाइज। जो नॉर्मल स्टोर्स में मिलती है ना 99 रुपीज वाली, बिल्कुल नहीं चलती, बट दीज आर रियली गुड क्वालिटी, आप चेक कर सकते हो। अगर आपको ये लाइट्स खरीदनी है तो डीमार्ट से खरीदिए, और रश जल्दी खरीदिए क्योंकि ये बहुत ही जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है गाइस। एंड दीज आर रियली गुड, नॉट लाइक दोस लोकल लाइट। ये काफी टाइम अगर लकीली चल जाए तो दो से तीन साल भी चल जाती है, अदरवाइज लाइक फिर एक साल भर आप इसे यूज कर सकते हो। मैं दिवाली के बाद इसे अपने झूले वूले पर भी लगा कर रखती हूँ ना, तो दे लास्ट ना। तो ये मैंने ऐसी वाली दो खरीदी है, एंड ये कुछ ये भी मेरे पास लास्ट ईयर की है, ओके। एंड ये भी मैंने डीमार्ट से खरीदी थी। अगर आप इसे ऑनलाइन या फिर बाहर कहीं पे, या फिर अगर आप इसे मॉल्स में या कहीं ऑनलाइन अगर आप देखोगे, ये बहुत एक्सपेंसिव आते हैं। ये सारे दिए मैंने खुद चेक किए होम सेंटर में, नॉर्मल में ये अगर आप, आई डोंट नो अगर आपको दिख रहा है, मे बी लाइट है ना इसीलिए। तो फिर भी मैं आपको एक थोड़ा साइड दे देती हूँ, ये देखिए गाइस, ये जो है ना ये लाइट्स, ये 19 रुपीज की है डीमार्ट में। फ्रीज में यूजली वेंटिलेशन होता है गाइस, तो हम कभी कभी दिए नहीं लगा पाते, तो इन दैट केस या फिर। और एक और चीज जो मैंने खरीदी है इस साल, जो कि मुझे ये लेनी थी काफी टाइम से, और मैंने इसे लास्ट ईयर से ही एक्चुअली कार्ट में डाल के रखा था, और मैंने सोचा मैं ले लूंगी, मैं ले लूंगी। इफ यू कैन सी, फाइनली आई बॉर इट। सबकी प्राइस जो है गाइस, मैं स्क्रीन पे प्लीज मेंशन कर दूंगी, मैं सबकी प्राइजेस, एग्जैक्ट प्राइजेस मुझे याद नहीं है, आपको यहाँ पे कहीं पे स्क्रीन पे इसकी प्राइस दिख जाएगी। तो गाइस ये देखिए, ये एक कैंडल होल्डर है, ये मेटालिक गोल्ड है अगर आप देख सकते हो, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको देख सकते हो कैंडल होल्डर है, तो आप इसमें कैंडल जलाओगे और इसे हैंग करो कहीं पे भी, आपके एंट्रेंस पे या फिर बालकनी में या कहीं पे आपके ग्रिल्स पे, यू नो कहीं पे भी, इंडोर मोस्टली कर्टन्स वर्टन से थोड़ा दूर रखिए ये सारी चीजें, सेलिब्रेट दिवाली बट सेफली, राइट। तो बहुत ब्यूटीफुल लुक आता है इसका जब इसमें हम कैंडल्स रखते हैं, इसका भी मैं आगे आपको एक छोटा सा क्लिप दिखा दूंगी, ये बहुत ब्यूटीफुल है गाइस, लुक एट दिस। तो ये मैंने खरीदा है अमेज़न से, सो आई बॉट दिस इन सेट ऑफ टू, ये सेट ऑफ 5 में भी था, सेट ऑफ 12 में भी था, ओके। तो ये आप पे डिपेंड करता है, बट बस जब ये आया था ना, ये एक एक जो होल्डर है इसका थोड़ा सा, ये जो कैंडल होल्डर वाला पार्ट है ना, वो मुड़ गया था। नॉर्मल एकदम सॉफ्ट भी नहीं है, पर समहाउ हमने ऐसे उसको दबा के थोड़ा लेवल कर दिया, अदरवाइज आई डोंट हैव एनी अदर कंप्लेंट, इट्स वेरी गुड एक्चुअली, एंड इट लुक्स वेरी प्रिटी जब आप इसमें दिया लगा के लिट करके जो है ना गाइस, आप जब लगाते हो तो ये गाइस, ये अंदर जो आप देख रहे हो ना, दैट इज मेटालिक गोल्ड, ओके। ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है जलने पे, मैं आपको आगे इंसर्ट कर दूंगी। और ये काफी स्टिफ है गाइस, कोई हल्का फुल्का ऐसे कोई मेटल नहीं है, ये काफी स्टिफ है, पीछे से ऐसे ब्लैक है और अंदर से गोल्ड है मेटालिक। तो ये मैंने अमेजोन से खरीदा है। तो गाइस ये वो टी लाइट कैंडल होल्डर है हैंगिंग वाला जो मैंने ऑर्डर किया था, ये देखिए, ये मैंने आपके लिए जस्ट इसे एक कैंडल प्लेस करके आपको दिखा रही हूँ, कहीं हैंग नहीं किया, ऐसे सपोर्ट देके रखा है क्योंकि इसे हैंग करना होता है। तो ये मुझे 489 के दो पीस पड़े हैं, और मैंने आपको जैसे बताया कि ये सिंगल पीस में भी आता है, दो पीस में है, सेट ऑफ 5 में और सेट ऑफ 12 में आता है शायद, ओके। तो मैं सारी लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी गाइस, देखिए कितना ब्यूटीफुल है, राइट। तो इसे आपको जो हैंग करना है, ये इसकी हैंगिंग चेन है, पर फिलहाल मैंने इसे जो है सपोर्ट से ही किया, मैं इसे उठा रही हूँ चेन की मदद से। सो गाइस देखिए
look at the look. Isn't it beautiful? मैं जैसे जैसे आपको दिखाती हूँ तो मैं बताऊंगी कि मैंने कौन सा इस साल खरीदा है, कौन से मेरे जो पुराने हैं, बिकॉज मैंने स्टोरीज पे शेयर किया था और बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे, तो इसीलिए मैंने सोचा वीडियो में मैं शेयर कर देती हूँ. आई बॉट दिस लिटिल लैंडर्न काइंड ऑफ, मतलब ये शोपीस, एज अ शोपीस आप यूज कर सकते हो, आपके लिविंग रूम में रख सकते हो आप, इसमें फेरी लाइट्स डाल रहा है. ये जो स्ट्रिंग लाइट्स मैंने यहाँ पे रखी है, ये वाली लाइट्स, अगर ये भी आप इसमें डाल देते हो ना सारा एक बंच जैसे पूरा लेके, तो भी ये बहुत ब्यूटीफुल लगेगा. ये तो ये मेरी लास्ट ईयर की स्ट्रिंग लाइट्स है, उसकी भी डिटेल्स मैं आपको दे दूंगी थोड़ी देर में. तो ये सिल्वर कलर में है और ये ऐसे टेक्सचर्ड है, तो जब ये रात के टाइम एंड ऑल ना गाइस, जब लाइट्स होंगी या डिम लाइट्स होंगी, तो ये बहुत ब्यूटीफुल लगेगा. एंड ये मैंने लिया है मॉल से, लिया था मैंने सुपर 99 से. सुपर 99 और मार्केट 99 अगर सेम है, इफ एनीवन नोस जस्ट डू लेट मी नो. बट मैंने ये सुपर 99 से खरीदा था, बट मार्केट 99 जिसका आउटलेट आर सिटी घाटकोपर आर सिटी मॉल में है, इवन दैट्स वेरी गुड फॉर होम डेकोर एंड होम एसेंशियल आइटम. बहुत ऑसम है वहां का भी स्टफ गाइस, एंड वेरी रीजनेबल टू. ये भी बहुत मेरे को रीजनेबली मिला, ये मुझे 149 का मिला है, जिसकी जिसकी प्राइसेस मुझे पता है ना, मैं आपको बता रही हूँ. 149 का मिला है मुझे, ये बहुत ब्यूटीफुल पीस है. मैंने मार्केट 99 में इसी में कॉपर कलर भी देखा था, बहुत ही ब्यूटीफुल था. आई गोना बाय दैट इफ आई गोना गेट इट. तभी उस दिन नहीं था क्योंकि मैंने सुपर 99 से सीवुड सेंट्रल मॉल से लिया है. सो गाइस लुक एट दिस, इसमें मैंने ऐसी ही टी लाइट कैंडल डाल दी है. आप इसमें जो है फेरी लाइट्स भी डाल सकते हो गाइस. लुक एट दिस, हाउ ब्यूटीफुल इट्स लुकिंग राइट. ये देखिए है ना कितना प्यारा लग रहा है. तो ये अंधेरे में जो है और भी प्यारा लगेगा इवनिंग टाइम. लुक एट दिस, ये मैंने लाइट स्विच ऑफ कर दी, अभी आप इसका लुक देखिए. इजंट इट, बहुत एसेंशियल अगेन हमारी दिवाली के लिए पैक ऑफ टी लाइट कैंडल्स लिए गाइस. ओके ये पैक ऑफ 50 है. ओके इसमें 50 है, तो ऐसे मैंने दो खरीदी क्योंकि मेरे को पूरे साल यूज होती है. ओके तो ऑलरेडी भी मेरे पास थोड़ी सी पड़ी है घर पे, इसके अलावा मैंने ऐसे दो खरीदे हैं पैकेज 50-50-100 के, यानी क्योंकि मैं थ्रू आउट द ईयर यूज करती हूँ. आपने देखा है मेरे किचन में यहाँ पे ये लाइटेड होती है, तो इसीलिए ये मैंने खरीदा. तो दिस इज अ मस्ट हैव अगेन फॉर द दिवाली. और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज जो लास्ट ईयर की है, लुक एट देम, आप आई होप देख सकते हो. दीज आर दियास एंड ट्रस्ट मी दीज आर स्टील दियास गाइस. ओके ये स्टील के दिए हैं. इसकी फिनिशिंग आप देखिए, पूरा मिरर ग्लेज है. ये कोई हल्का फुल्का नॉर्मल स्टील नहीं है जो ऐसे बेंट होने से बेंड हो जाएगी, ऐसे वो डबल वॉल वाला स्टील होता है ना, डबल वॉल वैसे है ये. एंड लुक एट द फिनिशिंग, ये मेरे लास्ट ईयर के दिए है गाइस, जस्ट एज गुड एज न्यू. ये मैंने ऐसे ही खरीदे थे, तभी भी मैं ऐसे रैंडमली चेक कर रही थी, मुझे अच्छे लगे थे, मैंने बोला लेट्स सी, अदरवाइज रिटर्न करूंगी. ये मैंने पैक ऑफ 6 में लिए थे पिछले साल. ओके यू कैन ऑल्सो पुट योर टी लाइट कैंडल्स इन दिस. मैं ऐसे भी यूज किया और ऑयल डाल के बाती लगा के ही यूज कर सकते हो और ये सालों साल चलेंगे. इसकी पिक्चर मैं इंसर्ट कर दूंगी. तो ये मैंने अमेजोन से खरीदे थे. और अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं कर रहे हो गाइस, तो फॉलो मी ऑन इंस्टा, और इट्स कैन ऑलवेज सर्च मॉमी जेस वर्ल्ड, तो आपको मिल जाएगा. गाइज ये जो है ये वो स्टील के दिए हैं जो मैंने आपको बताया. लुक एट देम, लुक एट द ग्लेज, लुक एट द शाइन. ये मैंने लास्ट ईयर परचेज किए थे, दे आर एज गुड एज न्यू. इस साल भी मैंने बस इन्हें पैक करके रख दिया था वॉश करके. और गाइज ये दिए जो है मुझे 255 रुपीज के पड़े थे लास्ट ईयर. मैंने सिक्स पैक ऑफ 6 खरीदा था, तो ये 255 के मिले थे मुझे लास्ट ईयर. और एक और चीज, अब ऑलरेडी मैंने इसे यहाँ पे डाल दिया है, ये मेरी लास्ट ईयर की है. ये स्ट्रिंग लाइट्स है, आई शो यू वेट अ मिनट, सो यू कैन सी दिस. ये वो वायर वाली लाइट नहीं है, ये कॉपर स्ट्रिंग होती है. ये आप जैसे इसे मोड़ो ना, ये ऐसे मुड़ जाती है, मतलब बस आपको बेंड करना है, ये टूटेगी नहीं. इट्स वेरी गुड क्वालिटी और ये ऐसी होती है, कॉपर वायर है, शॉक वॉक कुछ नहीं लगता. सी लुक एट दिस, इट्स वेरी ब्यूटिफुल.
यू नो, तो ये ऐसे स्ट्रिंग लाइट्स होती है, तो ये भी बहुत काफी सारे, ये मेरे पास 2 से 3 है मेरे पास घर पे. ओके, तो जो ऑलरेडी काम पे मैंने लगाई हुई है, सब जगह पे लगा के रखती हूँ, तो ये वो लाइट्स है. इन्हें आप खरीद के ऐसे जार्स में, ये शायद अभी आपको यहाँ पे जस्टिस नहीं करेगा क्योंकि बहुत काफी सारी लाइट्स ऑन है यहाँ पे, तो ऐसे आप इसमें डाल के, आप रख सकते हो. आप ऐसे, मैंने जैसे पीछे डाला है, ऐसे आप अपने प्लांट्स पे भी डाल सकते हो. ये उन्हें कोई हार्म नहीं करेगा, ये कोई गर्म नहीं होता, कुछ नहीं. दीज आर वेरी गुड. दीज आर कॉल्ड स्ट्रिंग लाइट्स. दीज आर कॉल्ड स्ट्रिंग लाइट्स, फेरी लाइट्स. ओके, तो ये होती है वो. तो ये पर मैंने ना गाइस अमेजोन से नहीं खरीदी है, ये मुझे मत पूछे मैंने कहां से खरीदी है. ये मैक्स टू मैक्स मैंने 200 से 300 के बीच में खरीदी थी. इतनी बड़ी, काफी बड़ी है ये, काफी बैटरी ऑपरेटेड है ये. ये यूएसबी में भी आती है, यूएसबी कनेक्शन के साथ, तो ये आप पे डिपेंड करता है, प्रेफर करते हो. इसमें 3 बैटरीज यूज होती है, जो पेंसिल सेल्स होते हैं ना, बट दे आर वेरी लॉन्ग लास्टिंग एंड वेरी ब्यूटिफुल. ये आपका आपके डेकोर का लुक ही चेंज कर देते हैं. ये एक और चीज है गाइस, ये मैंने अगेन, ये मेरे लास्ट ईयर के है, सो दैट यू नो इट विल हेल्प यू प्लानिंग योर दिवाली डेकोर, कि आप खरीद सको, या फिर अगर आपके पास आपको आइडिया चाहिए कुछ तो आप यहाँ से ले सकते हो. क्योंकि मैं लास्ट ईयर, जैसे मैंने बताया, मैं यूट्यूब पे नहीं थी, इसीलिए मैं इस साल शेयर कर रही हूँ जो आइडियाज मैंने लास्ट ईयर यूज किए थे, शायद आप लोगों को हेल्प करे डेकोरेशन में. तो ये मैंने लास्ट ईयर है ना कुशन्स लिए थे, ये ब्रोकेड जैसे है, ये एम्ब्रॉयडर्ड है, ये प्रिंटेड नहीं है, ये जरी एम्ब्रॉयडर्ड है. तो ये कुशन कवर्स लिए थे मैंने मेरे सोफा के लिए, बाहर के लिए. बट ये आप कहीं पे भी, सोफा बेडरूम कहीं पे भी यूज कर सकते. तो ये भी मुझे ना गाइस, ये मैंने सेट ऑफ 4 में लिए थे, कुछ मुझे सेट ऑफ 4 में 400 से 500 के बीच में आई गेस ये आ गए थे, कि भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. एंड दे आर ऑल्सो एज गुड एज न्यू. यूर लुकिंग फॉर यू नो एनी ऑप्शन की अगर आप खरीदना चाहते हो तो ये आते हैं. ये पिंक, हॉट पिंक कलर जो मेरा फेवरेट है सब में, इसमें ये ग्रीन कलर में है, ये जो है बी ब्लू कलर, ये देखिए, हाँ दिस इज रेड. कम्प्लीटली फेस्टिवल कलर्स है, वेरी फेस्टिव प्रिंट, इट्स वेरी ब्यूटीफुल गाइस. और इसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है. तो यू गाइस, ये भी मैंने सारे शेयर किया था लास्ट ईयर का, जो मेरा दिवाली की पिक्चर्स है आपको उसमें दिख जाएंगे. ये मैं अभी आपको फोटो शेयर करूंगी, तो आपको मेरे पिछले साल के दिवाली होम डेकोर में दिख जाएंगे गाइस. सो फेस्टिवल्स है आपके घर में, कुछ ट्रेडिशनल फंक्शंस है, आप उसमें ये सारे यूज कर सकते हो. और ये भी एक मैंने लास्ट ईयर लिया था, ये भी बहुत ही इनएक्सपेंसिव है, ये भी मुझे कुछ 200 या 199, 200, 250 के अराउंड पड़ा था गाइस. विद दिस पॉम्पॉम, कलरफुल पॉम्पॉम, ये आप अपने ये भी यूज कर सकते हो, बिकॉज दे ऑल्सो लुक वेरी ब्यूटीफुल. ये भी अलग अलग कलर्स में आते हैं, मुझे येलो पसंद आया था तो मैंने येलो खरीदा था. क्योंकि ये और ये सारे जो है ना गाइस, जिपर्स के साथ है, कॉटन का है ये, एक अच्छा कॉटन है ये, और क्वालिटी भी काफी अच्छी है इसकी. तो ये मैंने लास्ट ईयर खरीदा था, तो इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शंस अवेलेबल है गाइस. नेक्स्ट है गाइस अगेन दिस. ओके, सो दिस इज दैट प्रोडक्ट जो मैंने लास्ट के लिए इसीलिए रखा है, क्योंकि गाइस दिस इज यू नो वन ऑफ माय बेस्ट बाइस फॉर दिस दिवाली. और मैं आपको एक बहुत ही अच्छा गिफ्टिंग ऑप्शन भी दे रही हूँ, यू कैन ऑल्सो गिव दिस टू योर लव्ड वंस ड्यूरिंग दिवाली. एंड एक्चुअली ये मुझे मॉनसून से पहले खरीदना चाहिए था, बिकॉज मॉनसून में यू नो इसका काफी अच्छा यूज होता. बट यू नो आई वॉज प्लानिंग फॉर दिवाली में खरीदने के लिए, फाइनली मैंने खरीद लिया, बिकॉज अब विंटर्स भी आ रहे हैं. तो ये ह्यूमिडिफायर कम अरोमा ऑयल डिफ्यूजर है गाइस. ओके, सो इसमें शेड्स भी थे, एक डार्क शेड भी था इसमें. आई परचेज दिस, मुझे व्हाइट चाहिए था बट नहीं था अवेलेबल. ओके, तो आई बॉट दिस वन एंड इट्स वेरी ब्यूटिफुल. मैं आपको इसकी क्लिप अटैच कर दूंगी, इसकी आप देख सकते हो कि कैसे चलता है. ये जो रिंग है, यहाँ पे एक रिंग है, इसमें लाइट्स चलती है और यहाँ पे भी जो है लाइट आती है. इसमें 5 से 6 कलर की लाइट्स होती है जो ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होती रहती है. और इसमें यहाँ से जो है, इस वेंट से जो है स्टीम आती है, नॉर्मल स्टीम, इसे गर्म स्टीम नहीं होती, पानी होता है, वाटर पेपर होता है, स्टीम नहीं होती एग्जैक्टली, वाटर पेपर होता है, तो वो आता है. और इसके अंदर जो है आपको अरोमा जो ऑयल्स होते हैं ना, एसेंशियल ऑयल्स, तो आपको वैसी ही फ्रेग्रेंस जो है आपके घर में आएगी. तो गाइज ये है वो अरोमा डिफ्यूजर जिसके बारे में मैंने आपको बताया, कि एक परफेक्ट गिफ्टिंग ऑप्शन है दिस दिवाली. तो आप बिना सोचे आप ये किसी को भी गिफ्ट कर सकते हो गाइज, और ये अपने लिए भी खरीद सकते हो. ये बहुत ही ऑसम है, ये बहुत ही कॉम्पैक्ट भी है. ओके, इसमें कलर्स भी आते हैं अलग अलग सी. एक यहाँ पे ये बटन है, मतलब ये टच बटन है गाइज, तो आपको जस्ट टच स्क्रीन जैसे, आपको बस उसे टच करना है.
ये बटन है, आपको इसे बस ऐसे देखिए, टच करेंगे ना ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। लुक एट द स्टीम, ये देखिए, ये कोई गर्म स्टीम नहीं, ये पानी का वेपर्स है, वाटर वेपर्स है जो निकलते हैं, जो बहुत ही अच्छी फील देते हैं। मैंने इसमें जो है, आप देख सकते हो यहाँ पे गाइस, मैंने जो है इसमें अरोमा डिफ्यूजर जो ऑयल होता है, एसेंशियल ऑयल, लेमन फ्रेग्रेंस वाला जो है वो डाला है गाइस। मैंने इसमें लेमन फ्रेग्रेंस वाला ऑयल डाला है। और ये देखिए, इसकी लाइट्स की सेटिंग भी अपने आप थोड़ी देर बाद चेंज होती रहती है। लुक एट द कलर, देखिए पर्पल से अब ये ब्लू हो गया है, अगेन लैवेंडर और रेड। आपको कुछ नहीं करना होता, ये ऑटोमेटिकली अपने आप होता है, ये ऑटोमेटिक है। ये ग्रीन फ्लोरोसेंट नियॉन कलर, एंड स्काई ब्लू, डार्क ब्लू, ये जितना कॉम्पैक्ट है, जितना क्यूट दिखता है, उतना ही ये प्यारा है और ये बहुत ही ऑसम काम करता है। लुक एट दिस, आपको बस ये ओपन करना होता है। ये यहाँ ये जो अरोमा डिफ्यूजर में जो है, ये हम इस तरह का जो है ऑयल यूज होता है, अरोमा ऑयल, एसेंशियल ऑयल्स के जो हमें बॉटल मिलती है। ये मैंने एक्चुअली सुपर 99 से पिक किया था, 59 रुपीज ईच इट इज, बट ये इतने इफेक्टिव नहीं है जितने एक्चुअली कुछ ब्रांडेड वाले होते हैं। सो गो फॉर अ गुड ब्रांड, इट्स ऑल्सो गुड बट इतने इफेक्टिव नहीं, क्योंकि मैंने मोगा का यूज किया है, आयरस का यूज किया है पहले भी, जो मेरे पास मैनुअल वाला अरोमा डिफ्यूजर है ना, उसमें मैंने यूज किया था। ये मैंने ओशन ब्रीज वाली फ्रेग्रेंस ली थी और एक है पील लेमन वाली, ये दो फ्रेग्रेंसेस मैंने सुपर 99 से लिए थे। बट आई विल रिकमेंड कि आप थोड़ी सी अच्छे ब्रांड वाले अरोमा डिफ्यूजर्स के जो ऑयल होते हैं वो यूज करें, तो उससे है आपको रिजल्ट और अच्छा मिलेगा। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही। सो गाइस, जल्दी मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में एक और शॉपिंग हॉल के साथ, होपफुली। अंटिल देन, मॉमी जे साइनिंग ऑफ, बाय बाय, लव यू ऑल माय फ्रेंड्स।